नाउ कल अपन ने यहां तक इसको डिस्कस कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रीजन है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आने का? नेक्स्ट क्या रीजन है? नेक्स्ट रीजन है, सपोज करो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट, कि कस्टमर है उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्या करा, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट या कोई चेक डिपॉजिट करा दिया, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई होगी, उसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, तो इससे क्या हुआ होगा? इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया। लेकिन कैश बुक में अपन ने इसकी एंट्री नहीं करी, जो अमाउंट कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा। तो एक ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस हो जाने का, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। क्योंकि कोई कस्टमर डायरेक्टली अगर कोई अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा तो उसकी एंट्री बैंक पासबुक में तो कर देगा, तो इससे आपके पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया। लेकिन कैश बुक में आपने एंट्री करी नहीं, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम शो होगा। और क्या रीजन होता है? और रीजन है आपका बैंक चार्जेस या फिर इंटरेस्ट चार्ज ऑब्लिक डेबिटेड बाय बैंक। तो बैंक चार्जेस ऑब्लिक इंटरेस्ट चार्ज या डेबिटेड बाय द बैंक। तो मैंने आपको याद करी जनरल एंट्री में ही पढ़ाया था कि बैंक के पास ये पूरी पावर होती है कि अगर बैंक आज आपको कोई फैसिलिटीज दे रहा है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्जेस आपको बैंक को पे करने पड़ेंगे। अगर बैंक जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे अगर आपका लोन चल रहा है तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो बैंक पे ओवरड्राफ्ट है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वहां पे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो रखा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो बैंक चार्जेस और ये जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है, ये बैंक क्या करता है, सीधे आपके अकाउंट से निकाल देता है। बैंक के पास पूरी पावर है कि वो आपके अकाउंट में से कोई भी अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है और कोई भी अमाउंट को डिपॉजिट करा सकता है। तो बैंक ने क्या करा, अपने बैंक चार्जेस या बैंक ने सपोज करो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्ज करा, तो इससे आपकी पासबुक में से अपना जो भी इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस बनते हैं वो विड्रॉ कर लिया होगा और उसकी एंट्री पासबुक में कर दी होगी, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया। लेकिन आपने ये एंट्री कैश बुक में नहीं करी, लेकिन आपने ये एंट्री कैश बुक में नहीं करी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो रहा होगा। तो एक ये रीजन होता है दोनों में कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। समझ में आया? और क्या रीजन है? अभी अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। क्या था ये बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक? मतलब कि हमारा जो एक्स था उसको अर्जेंटली पैसों की रिक्वायरमेंट आई थी, तो उसने क्या करा, अपना बीआर बैंक को दिया, बैंक ने ड्यू डेट आने में जितना भी टाइम पीरियड था उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करके बाकी का अमाउंट एक्स को दे दिया। तो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक इज डिसऑनर्ड। वो क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। तो अपन ने जो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया। तो पता है बैंक क्या करेगा? बैंक सबसे पहले ये देखेगा कि जितने भी अमाउंट का ये बीआर है, जितने भी अमाउंट का बिल रिसीवेबल है, क्या उतना पैसा आपके अकाउंट में है क्या? और अगर जितने रुपए का वो बीआर है उतने उसके बराबर अमाउंट उसका उतना पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो बैंक क्या करेगा, अपना पैसा आपके अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा। बैंक अपना पैसा तो आपके अकाउंट से निकाल लेगा। अभी मैंने बताया बैंक के पास पूरी पावर है आपके अकाउंट में से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करने की। तो जो बीआर जिसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो क्या हुआ, बैंक ने बीआर का अमाउंट, जो भी बीआर का अमाउंट था वो आपके बैंक में, उतना पैसा आपके बैंक में अवेलेबल था, तो बैंक ने अपना पैसा आपके अकाउंट से विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ कर लिया तो बैंक ने पासबुक में भी एंट्री कर दी होगी, बैंक ने इसकी एंट्री पासबुक में भी कर दी।
तो उससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। तो एक ये रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। बताइए, समझ में आए क्या? नाउ दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बनता है? सबसे ऊपर अपन लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस भी डेट को आप ये बीआरएस बना रहे हैं वो डेट आएगी। उसके बाद यहां लिखते हैं अपन सीरियल नंबर, उसके बाद यहां पे आता है पर्टिकुलर, फिर प्लस और फिर माइनस। ये दिस इज द फॉर्मेट। देखो, आपके एग्जाम में जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कोई मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में या तो आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, या फिर आपको पास बुक का बैलेंस गिवन होगा, पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। तो इन दोनों में से कोई एक बैलेंस आपको 100% क्वेश्चन की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन होगा। कल मैंने आपको बताया था क्या इस चैप्टर में कैश बुक का मतलब क्या है। इस चैप्टर में कैश बुक का मतलब है बैंक कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक। और मैंने आपको बताया था जो आपकी बैंक कॉलम कैश बुक है उसका डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो जब आपके एग्जाम में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट में हो सकता है स्टार्टिंग में क्या दे रखा हो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो किसी ना किसी चीज का इन चारों में से कोई भी एक बैलेंस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको 100% गिवन होगा, राइट? तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या गिवन है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको गिवन है क्या, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या मतलब समझते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब यह है, जैसे ही आपकी कैश बुक है तो आपको पता है देयर आर टू साइड इन द कैश बुक, डेबिट और क्रेडिट। ये आपकी रिसिप्ट है और ये आपका पेमेंट है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, व्हाट इज मीन बाय डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है कि आपकी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है। तो रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है मतलब यानी जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है बैंक बैलेंस, कितना बैंक बैलेंस हमारे पास है, इतना बैंक बैलेंस हमारे पास है। तो हमारे बिजनेस में बैंक बैलेंस होना, सुनिएगा ध्यान से, हमारे बिजनेस में बैंक बैलेंस होना ये हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव थिंग है? आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस है, सपोज करो आपके बैंक में 10 लाख रुपीज का बैंक बैलेंस है, तो ये आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव थिंग है? यस, वेरी गुड, इट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द बिजनेस। यानी आपका बैंक बैलेंस है, किसी का भी बैंक बैलेंस हो तो बोले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बैंक बैलेंस है हमारा, ठीक है ना, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बता नहीं रखा कि वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो साइलेंस के केस में, इन केस ऑफ साइलेंस, इट इज ट्रीटेड एज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो अभी आपने मेरे को बताया कि जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, ये हमें इसका मतलब है कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक इट इज अ कैश एट बैंक होना इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द बिजनेस। तो आप इसको कहां पे लिखेंगे? प्लस के कॉलम में। कहां लिखोगे इसको? प्लस के कॉलम में लिखोगे, राइट?
अब अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड टोटल, मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, मतलब पेमेंट ज्यादा हो गया और रिसिप्ट कम रह गई, तो ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब पेमेंट ज्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम हो जाए? ऐसा होता है इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कब होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में, ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। और अपन ऐसा भी बोल सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट मींस इट इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, ये हमारे बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है। तो बिजनेस में बैंक ओवरड्राफ्ट है आपकी लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होना बिजनेस के लिए पॉजिटिव थिंग है नेगेटिव थिंग है? बैंक ओवरड्राफ्ट होना बिजनेस के लिए पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव? यस, ये बिजनेस के लिए नेगेटिव है, आपकी लायबिलिटी हो रही है तो ये आपकी बिजनेस के लिए नेगेटिव थिंग है। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट दे रखी है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप उसको कहां पे लिखेंगे? नेगेटिव चीज है तो उसको आप लिखोगे माइनस के कॉलम में। कहां लिखेंगे हम इसको? माइनस के कॉलम में। अब अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, व्हाट इज मीन बाय डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक? ये हमारी पासबुक है, ये डेबिट क्रेडिट, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पासबुक की डेबिट साइड हमारे लिए पेमेंट होती है और पासबुक की क्रेडिट साइड हमारे लिए क्या होती है? रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट होती है। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब कि आपकी पासबुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो पासबुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। तो ऐसा कब होता है जब पेमेंट ज्यादा और रिसिप्ट कम हो जाए? ऐसा होता है इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसा कब होता है? इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस बैंक ओवरड्राफ्ट। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वापस वही चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट होना बिजनेस के लिए पॉजिटिव थिंग है और नेगेटिव? बैंक ओवरड्राफ्ट होना बिजनेस के लिए इट इज अ पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग फॉर द बिजनेस? Yes, it is a negative thing for the business. तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रखी है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपने कहा दिस इज अ नेगेटिव थिंग फॉर द बिजनेस, तो आप कहां लिखोगे? माइनस के कॉलम में लिखोगे। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक? यानी पासबुक की क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है। तो पासबुक की क्रेडिट क्या होती है? रिसिप्ट। यानी रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है। तो रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है बैंक बैलेंस। ये हमारा क्या शो कर रहा है? बैंक बैलेंस। ये शो करता है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक इज अ पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग फॉर द बिजनेस? यस, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर बैलेंस, मतलब क्वेश्चन में बता नहीं रखा, सिंपल नहीं रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, तो साइलेंस के केस में क्या मानेंगे? कि इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। कहां लिखेंगे इसको? अपन माइनस के कॉलम में। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में या तो आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन होगा, या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, या फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन होगा, या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। इन फोर में से कोई भी एक बैलेंस 100% क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको गिवन होगा, राइट? तो अब कह रहे हैं इफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस, जो बीआरएस है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। यानी क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक,
चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है। तो आप उसको टैली करोगे, इस कैश बुक के बैलेंस को आप टैली करोगे किससे, पासबुक के बैलेंस से। इसका मतलब ये कि जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं प्लस और माइनस के। तो इसका मतलब ये कि जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, वो सब काय में होंगे, कैश बुक में होंगे, क्योंकि कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक का बैलेंस है, इफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआर इज द पासबुक, तो हम पासबुक के बैलेंस को किससे टैली करेंगे, कैश बुक से। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, ऑल एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होंगे प्लस और माइनस के, वो सब आप काय में करोगे, पासबुक में करोगे। तो अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन इन द पासबुक। और अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, तो ऑल एडजस्टमेंट कैन बी डन इन द कैश बुक। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक है, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एज अ स्टूडेंट एग्जाम में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक है। राइट, समझ में आ गया। तो अगर कैश बुक का बैलेंस है, तो टैली किससे करना है, पासबुक से। यानी जो भी एडजस्टमेंट होगा, ऑल एडजस्टमेंट आर डन इन द कैश बुक। और पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ऑल एडजस्टमेंट कैन बी डन इन द पासबुक। राइट, चलिए बुक निकालिए। टेक आउट चैप्टर नंबर 15। टेक आउट चैप्टर नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 15.7। क्या लिखा है, ऑन 31st March 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज ₹17,280 डेबिट। ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2020। तो अपन यहां लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2020। सीरियल नंबर, प्लस माइनस। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन आएगा बीआरएस का, तो स्टार्टिंग में या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक इज 17,280 डेबिट। यानी क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 17,280। तो स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज द कैश बुक। तो कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करेंगे, पासबुक से। यानी जो भी एडजस्टमेंट होगा प्लस और माइनस का, ऑल एडजस्टमेंट कैन बी डन इन द कैश बुक, सब कैश बुक में होंगे। पॉइंट नंबर 1, चेक ऑफ ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैड नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार।
क्या मतलब है? जैसे ये आपकी कैश बुक है और ये आपकी पासबुक है, हमने 8,400 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट कराए, तो जब ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 8,400 से, लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं करा, बैंक ने कलेक्ट नहीं करा, यानी पासबुक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है, तो कैश बुक को किससे टैली करना है? पासबुक से। तो कैश बुक को पासबुक से कैसे टैली करें? तो ये जो कैश बुक में 8,400 आपने इंक्रीज कर दिए हैं, वो इसमें से मैं माइनस कर दूं, वो मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो इससे क्या होगा, मेरी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो मैं इस 8,400 को क्या लिखूंगा, माइनस के कॉलम में लिखूंगा, और यहां पे क्या लिखेंगे अपन, चेक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बताइए समझ में आया क्या? किसी को समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछिए। सर 8,400 अपन ने माइनस क्यों किया, उसने तो जमा कराया ना। मैंने आपको क्या बताया, हमने सुनना दोबारा ध्यान से, हमने 8,400 रुपीस के चेक बैंक में डिपॉजिट कराए, तो जब ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपका कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 8,400 से, लेकिन बैंक ने अभी तक इसको कलेक्ट नहीं करा, बैंक ने अभी तक इसको कलेक्ट नहीं करा है, बैंक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं करा, बैंक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अब आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो आपको अपने कैश बुक के बैलेंस से टैली करना है। तो कैसे टैली करें, आपकी कैश बुक का बैलेंस 8,400 से इंक्रीज हो रखा है, तो मैंने उसको 8,400 माइनस कर दिया, तो ये दोनों बैलेंस क्या हो गए, इक्वल आ गए, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक थी, इसलिए मैंने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली कराया। समझ में आया क्या, सबको क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर टू पढ़ो, चेक इश्यू। कल बताया था व्हाट इज मीन बाय चेक इश्यू, चेक इश्यू का मतलब क्या होता है, चेक इश्यू मींस पेमेंट मेड बाय बैंक, पेमेंट मेड बाय चेक। तो लिखा है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,600, कि हमने तो चेक इश्यू कर दिया, हमने तो चेक इश्यू कर दिया लेकिन बैंक ने पेमेंट नहीं करा, तो जब हमने ये चेक इश्यू किया होगा तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, हमने 5,600 का चेक इश्यू करा तो इसकी कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ, आपकी कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया 5,600 से, लेकिन बैंक ने अभी तक इसका पेमेंट नहीं करा, तो यानी पासबुक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपको इस कैश बुक को, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो अगर अब इस कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो कैसे मिलाऊं, मेरी कैश बुक का बैलेंस तो 5,600 कम शो हो रहा है जबकि पासबुक में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 5,600 दोबारा क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो इसको अपन लिखेंगे प्लस के कॉलम में 5,600। तो अब यहां क्या लिखोगे, चेक इश्यू बट नॉट पेड बाय बैंक। बताइए समझ में आई ये ट्रांजेक्शन नंबर टू समझ में आई? थर्ड, देर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है, तो बैंक ने ₹80 बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, तो इससे आपकी जो पासबुक है उसका बैलेंस कम हो गया होगा ₹80 से, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री करी नहीं, इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं करी। क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक का बैलेंस, तो इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली करना है, तो कैसे टैली करें, मैं इस कैश बुक में से भी ₹80 माइनस कर दूं,
तो कैश बुक में से 80 माइनस करूंगा तो ये दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस के कॉलम में लिखेंगे 80, तो यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बताइए समझ में आई एंट्री? नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दे इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने पासबुक में 240 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो ये पासबुक की क्रेडिट साइड मेरे लिए रिसिप्ट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बैंक ने हमें 240 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है, या फिर यूं बोलिए कि बैंक से, हमने बैंक से 240 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव करा है। लेकिन इसकी भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, इसकी भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। तो बैंक ने हमें 240 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया होगा तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस 240 रुपीज से इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं करी है। तो अगर अब आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो कैश बुक को अगर पासबुक से टैली करना है तो कैसे टैली करें? मैं 240 भी यहां पे ऐड कर दूं कैश बुक में, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये 240 रुपीज यहां पे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां लिखोगे आप इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 240। बताइए समझ में आया? नेक्स्ट, समझ में आ गया पॉइंट? नेक्स्ट, अ कस्टमर डिपॉजिटेड रुपीज 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। कह रहे कस्टमर ने 2000 रुपीज क्या करे, हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, जिसकी एंट्री भी केवल पासबुक में हुई है। तो कस्टमर ने सीधे 2000 रुपीज मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो इसकी एंट्री पासबुक में हो गई, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया 2000 से, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई इसकी, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो अगर आपको इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली करना है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली करना है, तो इसमें भी मैं 2000 रुपीज ऐड कर दूं, तो दोनों का बैलेंस क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको प्लस के कॉलम में लिखेंगे कितना, 8000। तो यहां पे क्या आएगा आपका, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आवर कस्टमर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द राजेश चौहान, द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। क्लब फी पे कर दी 500 की, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 2500 का, ठीक है ना, 2500 का, एंड दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो इससे क्या हुआ, आपने क्लब फी पे करी 500 रुपीज, तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया 500 से। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 2500, तो इससे भी आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन ये एंट्री आपने अपनी कैश बुक में नहीं करी है। तो अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो क्या करें, कैश बुक में भी सीधी माइनस कर दूं 500 और 2500, तो इन दोनों के बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसमें से भी माइनस होगा 500 और 2500। तो आप यहां लिखोगे फर्स्ट क्लब फीस पेड बाय बैंक, और सेकंड लिखेंगे अपन LIC पेड बाय बैंक, LIC पेड बाय बैंक, LIC पेड बाय बैंक। बताइए यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को यहां तक, एनी डाउट? अब अपन इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है 25,120,
और ये टोटल आ रहा है 11,480। अब इस चैप्टर की एक लास्ट बात जो ध्यान में रखने की है वो क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, कैश बुक है ना स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप अपने मन में अज्यूम कर लीजिए ये आपके कैश बुक की डेबिट साइड है और ये आपके कैश बुक की क्रेडिट है, लिखना नहीं है, केवल अपने माइंड में अज्यूम करना है कि इट इज द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड इट इज द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो आपके कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो मतलब कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस हो गया, और अगर कैश बुक का डेबिट होगा तो पासबुक में उसका हमेशा उल्टा होता है, जो कैश बुक का बैलेंस होता है उसका अपोजिट पासबुक में होता है, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट। तो आप यहां लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 25,120 में से 11,480 माइनस करें तो ये आएगा 13,640 और ये आ जाएगा 25,120। ये क्या शो कर रहा है, इससे हमें ये समझ में आया कि हमारी कैश बुक का बैलेंस तो कितना शो कर रहा था, हमारी कैश बुक का बैलेंस तो शो हो रहा था 17,280, जबकि पासबुक का बैलेंस कितना शो हो रहा है, पासबुक का बैलेंस शो हो रहा है 13,640। तो और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इन सारे रीजंस के कारण ये डिफरेंस आ रहा है, इसको बना के हमें ये पता लगा। बताइए समझ में आया क्या?